पन्ना की हीरे खदानों से निकलकर हम वहां पहुंचे अजयगढ़। अजयगढ़ पन्ना से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अजयगढ़ फेमस है अपने अजय किले के लिए। तो अजय का मतलब होता है जिसको कोई जीत ना सके, गढ़ का मतलब किला, तो जिस किले को कोई जीत ना सके उसको अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग अजयगढ़ पहुंचे तो वहां पर हमने देखा एक पैलेस जो करीब 17वीं शताब्दी में राजा गोवान ने इसको बनाया था और पैलेस बहुत ही सुंदर और भव्य था, लेकिन अभी टूट फूट के ख़राब हो चुका है, जिसको हमने एक्सप्लोर किया और बहुत ही सुंदर चीज़ें देखी। यहाँ के राजा अब भी अजयगढ़ में रहते हैं, जिनको यहाँ से इस पैलेस से देखा जा सकता है उनका नया वाला महल। पैलेस के पीछे ही हिल टॉप पर करीब 720 फीट की ऊंचाई पर स्थित है अजयगढ़ फोर्ट, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए करीब 500 सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी होती है, जो बहुत ही कठिन है। तो हमने एक लोकल गाइड रामबिलन पटेल जी की मदद ली और हम लोग जा पहुंचे अजयगढ़ फोर्ट। जैसे ही हम लोग फोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे, वहां पर हमें सुंदर सी स्टोन कार्विंग्स दिखाई देना शुरू हो गई। गेट पे बहुत सारे सुंदर चित्र उकेरे गए हैं और हिल टॉप से ही बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है इस अजयगढ़ का। और सामने एक और 30 किलोमीटर की दूरी पर कलिंजर फोर्ट स्थित है, उसकी भी डिटेल्स अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। जैसे ही गेट के पास और नज़दीक जाते हैं, वहाँ पर हमें दिखाई देती है एक चंदेलकालीन स्क्रिप्ट और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ। यहाँ पर एक यंत्र बार बार रिपीट हुआ है जो आगे भी आपको दिखाई देगा, इस तरह का यंत्र। तो ये चंदेलकालीन स्क्रिप्ट है जो हमने गेट पे देखी। इसके बाद एक करीब 300 साल पुराने गेट, जिसका कंस्ट्रक्शन 300 साल पुराना है, उसके होते हुए हम लोग जा पहुँचे अंदर। अंदर ये साइट आर्कियोलॉजी के अंडर में है, लेकिन ज़्यादा जानकारी इसकी उपलब्ध नहीं है। कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन बोर्ड नहीं है, यहाँ पर एक एंट्री टिकट भी कोई नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, आपको दिखाई देगी एक पुरानी तोप और किले के निर्माण में यूज होने वाली सामग्री बनाने वाली एक नया तरह का यंत्र। जंगलों को बीच से होते हुए और पथरीली पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए हम लोग आ पहुँचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। ये जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, इसको लोग अजयपाल तालाब के नाम से जानते हैं और यहाँ पर एक वर्ष में वार्षिक मेला भी होता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो अजयपाल देवता हैं, वो जो लोगों के डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो लोग यहाँ से एक पत्थर ले जाके उस एनिमल के जहाँ पर रहता है वहाँ पर रख देते हैं, जिससे वो एनिमल ठीक हो जाता है। और जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर पत्थरों की एक एक सीलियाँ लगाते हैं और मेले में आते हैं। लेकिन ये जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पुराने, करीब 1000 साल या उससे भी ज़्यादा पुराने मंदिरों के अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। चारों तरफ अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं, पुराने बड़े बड़े डोम्स, मंदिरों के डोम्स, पत्थर, मूर्तियाँ यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। मेरे सामने एक डोम पड़ा हुआ है और भी बहुत सारे पत्थर हैं, और कई पत्थर यहाँ से चोरी भी हो गए हैं क्योंकि कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं और उनको ले जाते हैं। तो हमने ऐसे ही बहुत सारी मूर्तियों को देखा, जैसे मेरे सामने एक यक्ष का मूर्ति है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, एक पुराने भव्य मंदिर का अवशेष है और साथ में ही लोगों द्वारा बनाए गए एक के ऊपर एक रखे गए पत्थर जो किसी मान्यता के प्रतीक हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। थोड़ा और आगे चलने पर हम लोगों ने आसपास देखा कि मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई हैं। और इस जगह पर भी बहुत सारे पत्थर और मूर्तियाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी एक डोम पड़ा हुआ है, लोकल लोग इसे मथानी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में मथानी नहीं है, एक मंदिर का डोम है। और सबसे जो खास इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे थी, वो थी शिवलिंग। तो यहाँ पर हमें जो शिवलिंग मिला, वो पंचमुखी शिवलिंग है और इस तरह का शिवलिंग
मेरे ध्यान में तो कोई और नहीं आता है, हमने कई लोगों से इसको पूछा भी लेकिन वो लोग भी इसके बारे में जानकारी दे नहीं पाए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पुराना मंदिर था जिसको अभी आर्कियोलॉजी ने एक अंडर किया हुआ है। यहाँ पर एक भगवान महावीर या शायद किसी और जैन तीर्थंकर की 12 से 15 फीट ऊंची मूर्ति है। तो इनको देखने के बाद ऐसा लगा कि ये हिंदू और जैन मंदिर रहे होंगे यहाँ पर। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें एक उच्चिष्ट गणेश की मूर्ति दिखाई दी। एक तंत्रिक वाले गणेश हैं, उनके 8 हाथ हैं, दोनों हाथ दो हाथ में सांप लिए हुए हैं और इसमें एक लेडी है जो इनको वाइन पिला रही है। तो एक तंत्रिक साधना करते थे यहाँ के लोग। और यहाँ पर एक और रूम्स मिला जिसको 7 हेवेंस ऑफ जैनास बोलते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर जैन के भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन थे। ये जो मंदिर जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ उसके यहाँ के लोग नौदुर्गा मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये देखिए, आइए इसके चल अंदर चल के देखते हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसमें जो चीज़ें दिख रही हैं मुझे लग रहा है इनको उठा के बाद में अरेंज किया गया है। तो ये खजुराहो मंदिरों से काफ़ी मिलती जुलती हुई चीज़ें हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अवशेष पड़े हुए हैं जो टूट गए हैं। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक समय एक बहुत ही भव्य मंदिर हुआ करता था इन अवशेषों को देखकर। तो आप देखेंगे कि इस मूर्तियों में जो चित्रकारी है, जो इनके काम हैं, वो सारे के सारे खजुराहो मंदिर के काम हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं किले में। और आगे बढ़ने पर हम लोग आ पहुँचे किले के दूसरे एंट्रेंस गेट पर, जहाँ जिसका उपयोग आजकल लोग कम करते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर सी सीढ़ियाँ नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्टोन पे कार्विंग की गई है अलग अलग समय की। और इसमें एक करीब 300 से 400 साल पुराना बनाया हुआ गेट भी है जो पुराने मंदिरों के अवशेषों को उठाकर उस गेट में लगा दिया गया है। तो ये स्टोन कार्विंग्स है जो आप देख पा रहे हैं आगे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े पत्थर पर हमें एक दिखाई दिया एक यंत्र, और यंत्र एक ताला और चाबी का इसमें सिंबल था जो किसी खजाने का प्रतीक दिखा रहा था। इसी के नीचे एक हमें केव भी तरह का कुछ डिजाइन दिखाई दिया। इसी जगह पर स्थित हैं इजिप्शियन स्टाइल में कुछ स्टोन कार्विंग्स। अब इसका समय पता पाना तो मुश्किल है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गेट पर एक एंट्रेंस स्क्रिप्ट है और इस स्क्रिप्ट में हम लोग जितना पढ़ पाए कि कनिष्क राजवंश का नाम लिखा हुआ है। और कनिष्क राजवंश का अगर ये स्क्रिप्ट है तो करीब 2000 साल पुराना ये साइट हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये 1000 साल पुराना है। साथ ही साथ यहाँ पर जैन तंत्र की देवी नील तारा हैं और जैनों के 24 तीर्थांकर यहाँ पर बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि जैन और हिंदू साधक यहाँ पर आते होंगे अपनी तंत्र की साधना करने के लिए। इसी के ऊपर स्थित है तांत्रिक नवदुर्गा, जो यहाँ नवदुर्गाओं का स्टोन कार्विंग किया गया है, जो हर देवी है करीब 2 डेड बॉडी के ऊपर बैठी हुई है। हम लोग इस गेट से आगे चलते हुए जा पहुंचे दूसरी जगह पर। वहां पर हमें और भी कुछ खास चीजें मिली। और चारों तरफ टूटे हुए फूटी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये जो जगह है, यहाँ पर इस गूगल मैप में हमने देखा कि यहाँ पर एक तालाब है और 3 मंदिर हैं आसपास। और लोगों का ऐसा मानना है, जो हमारे लोकल गाइड ने बताया, कि इस मंदिर में मंदिर से इस तालाब तक आने के लिए एक गुप्त रास्ता हुआ करता था। तो ये तालाब काफ़ी बड़ा है जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था और ये जंगलों के बीचों बीच स्थित है। आज भी यहाँ पर कई सारे एनिमल देखे जा सकते हैं अगर आप लकी हुए तो। यहाँ पर एक बहुत ही खास स्टाइल के मंदिर हैं जिनके चारों तरफ से ओपनिंग है, चारों दिशाओं से इसमें घुसा जा सकता है और इसमें कोई गर्भगृह नहीं है। इन मंदिर की खासियत ये भी है कि ये मंदिर में मल्टी फ्लोर्स हैं, मतलब एक फ्लोर और ऊपर एक और फ्लोर है। तो इस तरह के मंदिर इस इलाके में तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन जितना देखने पर हमें पता चला कि ये करीब चंदेलकालीन मंदिर हैं। इसमें से देखा जा सकता है कि तालाब पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर ज़्यादातर सागौन और तेंदू के पेड़ हैं। थोड़ा दूर और आगे चलने पर हमें कुछ और मंदिरों के अवशेष दिखाई दिए जो बहुत ही बुरी हालत में है, इनका रिस्टोरेशन नहीं हुआ है।
और ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पर मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कोई साइन बोर्ड नहीं है मंदिर किस काल के हैं, लेकिन जितना मूर्तिकला और स्टोन कार्विंग देखने में पता चला करीब एक से 1000 साल पुराने हो गए चंदेलकालीन समकक्ष ही हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और एक मंदिर के अंदर जाने पर हमने देखा एक गणेश का मूर्ति जिसमें बहुत ही सुंदर कार्विंग किया गया था। और इसके बाद हम लोग वापस आ पहुँचे जहाँ से हम लोग इंटर हुए थे। वहाँ पर एक बहुत ही खास चीज़ है, दो स्टोन कट टैंक्स बनाए गए हैं जिनको यहाँ के लोग गंगा और जमुना के नाम से जानते हैं, जिनमें हमेशा पानी रहता है और बहुत ही क्लीन पानी रहता है, जिनका उपयोग लोग जो फोर्ट में रहते थे उनको पीने के लिए करते थे। तो हम लोग बहुत ही थक चुके थे यहाँ तक आते आते, तो हमने यहाँ पर पानी पिया और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही क्लीन पानी है और मैं इसको पी रहा हूँ, एकदम प्योर वाटर है। और काफ़ी बड़े टैंक्स हैं, इनमें करीब बहुत सारा पानी स्टोर किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा अजयगढ़ का टूर, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा जानकारी हमने बहुत जगह खोजा मिली नहीं। तो आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताएं, सबमिट करें। अगले एपिसोड में जो चीज़ें छूट गई हम लोग उनको कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है। तो आप जब भी जाइए इसको देखिए, चीज़ों को समझिए। और हमने अपनी ट्रैवल के सारे फ़ोटोज़ और म्यूज़िक सारा का सारा शेयर किया है साउंड क्लाउड और फ्लिकर पे, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। बुंदेलखंड डायरी के अगले पड़ाव में हम लोग जा पहुँचे कलिंजर, तो कलिंजर के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास जो अजयगढ़ के बारे में जो भी जानकारी है हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।